गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी यहाँ की 5:20 हो रही है और सुबह देखो कितना तेज सुबह है और फॉग भी है। बहुत सही मौसम है तो सोचा थोड़ा बीच वॉक क्यों ना कर ले सुबह सुबह। सो वी आर गोइंग फॉर बीच वॉक। सनराइज में तो उठ नहीं पाए क्योंकि नींद थोड़ा अच्छा था, बट सनराइज यहाँ 5:05 में था, बट अपन 10 मिनट लेट उठे। इट्स फाइन। अभी जा रहे हैं, मौसम दिखाती हूँ मैं। तुमको लग रहा है सिर्फ अपन दोनों ही होंगे? अब देखते हैं जाके। ऐसे तो शाम दोपहर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, अभी देखते हैं। ऐसे तो पूरे सुनसान लग रहा है। मज़ा आएगा। नहीं है कुछ नहीं है। नहीं है कुछ। चलो चुपचाप चलो। अरे नहीं है कुछ मम्मी, नहीं है कुछ। सब पीछे क्यों पड़ रहे हैं? तो डॉगी भी दौड़ रहा है। परेशान कर दिया है। सब हमारे दोस्त। सनराइज मोहली दीपिका को देखना था और हम यहाँ पे हैं सनराइज में, पानियों के बीच में। लुक सो ब्यूटीफुल। ये सब कहाँ भाई, ये सब छोड़ना चाहिए, मौका मिले ले लो। वो डॉगी दूसरे आदमी के पीछे, वो एक्चुअली बिस्किट के लिए है। बिस्किट तो है नहीं, उसी जिसके पास बिस्किट है उसी के पीछे जा रहा है। मतलब सबके पीछे पीछे जा रहा है कि बिस्किट मिलेगा। सारे शॉप्स क्लोज है। अभी ये गोवा रहा था तो यहाँ चाय सारे दुकान खुले होते ना यहाँ, लेकिन 5:45 हुआ है, कोई दुकान नहीं खुले सब बंद। अब अपन जा रहे हैं, लौट रहे हैं अपने रिसोर्ट। हो गया सनराइज, फोटोशूट सब हो गया, डॉगी लोग से भी मिल लिया। अब चले रिसोर्ट। ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अपन का चेकआउट टाइम हो गया है, 8 बज गया। यहाँ से अपन को चेकआउट करना है, बस अब निकलना है। खाना वाना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। तो इधर क्यों बैठी, उधर जा। नहीं, हम इधर बैठे पहले। चलो उधर, धूप है साली का, हमको धूप नहीं लगेगा। बाय बाबू। हो गया हम लोग का चेकआउट, अब चले अपन। कहाँ जा रहे हैं वो अभी बताएंगे, अभी वो भी सस्पेंस है, वो बताएंगे अभी कहाँ जा रहे हैं। अपन पहुँच गए हैं फेरी लोकेशन। कैसे भैया, गाड़ी का कितना चार्ज लिया टोटल? 1600। अभी टू व्हीलर का? चलो लाइन लगाओ। हमारी फेरी जो है 9:45 के लोग भर के यहाँ वेट कर रहे हैं, अपन भी वही करेंगे। अभी टाइम है आने में भाई, अभी की यहाँ समय बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो। मतलब हम लोग निकले हैं, पहुँच भी गए, जो खाली है उसमें चलना। बहुत कंफ्यूजन है, ग्रीन ओशन ये हमारा है ये नहीं, हम जा रहे हैं ग्रीन ओशन वन। अच्छा ये 2 है, अपन का 1 है। ये दीपिका कंफ्यूज कर दिए मेरे को, कंफ्यूजन में सब चल रहा है। अपन बैग रखने जा रहे थे दूसरे वाले में। हाँ ग्रीन ओशन 1 है लिखा हुआ है। इतना बड़ी दिख रही है, यही है अपन, यही है लाइन। लाइन लग गया पहले ही, सब लोग लाइन लग गए। भाई साहब गर्मी में हालत खराब है। मार्च अप्रैल जो भी प्लान बनेगा जैन में, तुम्हारा एनिवर्सरी घर पे कभी ना जाए। एनिवर्सरी के दिन ठंडा जगह चले जाएंगे बाबू। अपन कहीं नहीं, अपन यूरोप जाएंगे। इन लोग जो है अपन यूरोप जाएंगे, अपन जाएंगे वैष्णो देवी मंदिर। वहाँ पे जाके खड़े होकर साइन दिखा रहे, स्कूबा डाइविंग का। बॉट लग गई भाई, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैं नाच रही हूँ यहाँ गर्मी में। अब स्टार्ट होगा,
बहुत देर से, बहुत देर से लाइन लगे हुए हैं। कौन सा बोला तुमको? मैं तो देख रहे हैं आ रहे हैं तो मकरूज द लाइक अच्छा है और गर्मी भी सही है उस, मतलब गर्मी नहीं, बैठने का भी सही है और स्मेल भी इसमें ज़्यादा आ रहा है। ये तो हमारा ये है ओपन डेक है बट मकरूज ज़्यादा अच्छा था तो हम लोग मतलब अब ठीक है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हम लोग एक्सपीरियंस करना था इसीलिए हम लोग ये किए, बट पता चल रहा है हम लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप ये गलती मत करना, आप लोग मकरूज ही लेना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ भाई गर्मी बहुत गर्मी। ये है लाइब्रेरी, ये यहाँ का बेसमेंट है, सामान लेके ऊपर आ गए कि हम लोग ऊपर ही से नीचे, बट नहीं सामान लेके अपन को नीचे के जाना है बैक टू आवर प्लेस। आ गए डेस्टिनेशन, अपन निकल रहे हैं। अपन को फाइनली गाड़ी मिली, दीपक का गाड़ी जो था उसको धोखा दे दिया तो अपन यहाँ से 250 लग रही है, 250 में सही है, 4 किलोमीटर है बट ठीक है। गाड़ी नहीं मोटू गर्मी रे और होटल मुझे भी नाम नहीं पता। ये हमारा रिसॉर्ट, दीपिका का अच्छा रूम मिला है स्विमिंग पूल के सामने, के जस्ट सामने। This is room. This is bathroom. बस बाहर यही देखो, अपना रूम तो दिखा दिए, अब जा रहे हैं अपने फ्रेंड का रूम देखने। उसका रूम है भाई स्विमिंग पूल के पास। अपन लेट किए थे, पर रूम लाइक 5000 है स्विमिंग पूल का, हमारा शायद 3 या 4000 है। व्यू हमारा जंगल है और इसका स्विमिंग पूल है। रूम सर्विस मैडम, अपना नहीं तो दूसरा अपने दोस्त का रूम है। जंगल में दिखा रहा है, स्विमिंग पूल तो बहुत मिल जाता है। रूम तो सेम है बट बस व्यू दिखाते हैं, व्यू तो व्यू यहाँ से ओपन सही है रूम। अपन जा रहे हैं बीच, सोच रहे हैं थोड़ा सा बीच का दर्शन कर लें। यह है बीच का रास्ता, अंदर अंदर रास्ता, यहाँ तो भाई कुछ है ही नहीं, बस व्यू है, ले लो पोचा, कीचड़ है, बस व्यू देखने के लिए सही है।